देखिए बीकॉम, नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें आपका टॉपिक चल रहा था कार्यशील पूंजी का प्रबंध। कौन सा टॉपिक था? कार्यशील पूंजी का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए ये टॉपिक चल रहा था मैनेज, देखिए और मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी के अनुमान की विधियां, हमने कितनी विधि पढ़ी थी? पांच विधि पढ़ी थी। पहली विधि थी, पढ़ी थी परिचालन चक्र विधि। पहली विधि कौन सी थी? परिचालन चक्र विधि। दूसरी विधि कौन सी थी? दूसरी विधि थी आपकी शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि। तीसरी विधि थी आपकी प्रक्षेपी चिट्टा विधि। और चौथी विधि आपकी मैंने बताई थी प्रतिगमन विश्लेषण, और लास्ट विधि थी विक्रय प्रतिशत विधि। अब देखिए पहली जो विधि थी आपकी परिचालन चक्र विधि, उसके हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद अपनी आती है शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, क्लियर। उसका क्वेश्चन नंबर चार अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर पांच की बात कर रहे हैं आप यहां पे, क्वेश्चन नंबर नेट करंट असेट्स फॉरकास्टिंग मेथड के क्वेश्चन नंबर पांच, सेकंड विधि का क्वेश्चन पांच। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्न सूचना से, निम्न सूचना से कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाइए। कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाए, क्लियर। लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना दे दिया? 180,000 आपको क्वेश्चन पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है। रॉ मेटीरियल टू रिमेन इन स्टॉक। देखिए जो कच्चा माल है वो स्टॉक में कितने दिन की पूर्ति है? इन स्टॉक ऑन एवरेज 2 month, कितने मंथ है? 2 months, क्लियर। उसके बाद देखिए प्रोसेसिंग पीरियड कितना है? 1 month, क्लियर। फिर आपका है फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक कितने मंथ है? ये दे रखा है आपको 3 month। उसके बाद है क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर आपको दे रखा है 3 month ही। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर भी आपको दे रखी है 3 month, और सेलिंग प्राइस है आपको ₹20, सेलिंग प्राइस
पर यूनिट आपको दे रखी है 20 रुपये, मटेरियल दे रखा है रॉ मटेरियल, लेबर है और ओवरहेड है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड 10%, 20%, 60%, 10% और 20%। देखिए रॉ मटेरियल 60% है, 10% डायरेक्ट वेजेज है या वेजेज भी ले सकते हैं, और ओवरहेड दे रखा है, ओवरहेड्स आपका दे रखा है 20%, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने मेंशन कर दिया, क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, निम्न सूचना से कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाइए। आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, देखिए कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाना है और आपको दे दिया लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दे दिया लेवल, एक्सपेक्टेड लेवल कि आप 180,000 इकाई बना रहे हो, कितनी इकाई, 180,000। उसके बाद देखिए इन्होंने दे दिया है रॉ मटेरियल टू रिमेन इन स्टॉक एन एवरेज 2 मंथ है, और फिर है प्रोसेसिंग पीरियड टू रिमेन इन स्टॉक 1 मंथ है, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक 3 मंथ है, क्रेडिट अलाउ टू कस्टमर 3 मंथ है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है, रॉ मटेरियल 60% है, लेबर या वेजेस 10% और वो 20%। क्लियर हो गई बात। तो देखिए किस प्रकार से वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है, देखिए स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। देखिए आपका ए इसमें है, ए आपका आता है क्या, करंट एसेट्स, फॉर्मेट में बताया था मैंने ए इक्वल टू करंट एसेट्स। देखिए करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में पहला पार्ट क्या आता है आपका, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें एक चीज आती है आपकी केवल मटेरियल। क्लियर हो गई बात। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है, आप यहां पर लिख लीजिए, देखिए प्रोडक्शन दे रखा है कितना है, 180,000 इकाई है, प्रोडक्शन की कितनी इकाई है, 180,000 है। यहां पे आप लिख लीजिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दे दी। अब देखिए सेलिंग प्राइस में एक तो आपका क्या है, मटेरियल है, और मटेरियल कितनी परसेंट है, 60%, और सेलिंग प्राइस है 20 रुपये पर यूनिट, दे रखी है क्वेश्चन में 20 रुपये पर यूनिट, और फिर है देखिए लेबर या वेजेस, लेबर या वेजेस आपकी 10% दे रखी है, और फिर आपका है ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स आपको 20% दिया है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए आप 20 का 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मटेरियल की वैल्यू पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 12 रुपये, 20 का 10% लिखाएंगे तो लेबर या वेजेज की रेट आ जाएगी 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और ओवरहेड 4 रुपये पर यूनिट, 20 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रुपये पर यूनिट। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मेट में था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें क्या आता है, केवल मटेरियल, आप इकाई कितनी बना रहे हो, प्रोडक्शन 180,000,
अब इधर देखिए मटेरियल की रेट क्या कितनी है 12। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं, द रॉ मटेरियल टू रिमेन इन ए स्टॉक ऑन एवरेज 2 मंथ, तो इंटू 2 / 12 है। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप कैलकुलेटर से, तो 180,000 इंटू 12 इंटू 2 / 12 इक्वल टू 360,000 रुपए। 360,000। उसके बाद मैंने फॉर्मेट में आपको सेकंड बताया था स्टॉक ऑफ WIP बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें मैंने बताया था एक तो आपको मटेरियल, एक आपको क्या बताया लेबर, एक आपको क्या बताया ओवरहेड। देखिए लेबर या आप वेजेज भी ले सकते हैं, ठीक है, वही कितनी इकाई है 180,000। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 180,000, 180,000, 180,000। देखिए मटेरियल की रेट कितनी है 12 इंटू 12, लेबर की रेट 2 रुपये और ओवरहेड की 4। अब यहां देखिए प्रोसेसिंग पीरियड कितना है 1 मंथ इंटू 1/12 इंटू 1/12 इंटू 1/12, और मैंने कल बताया था ये कितने परसेंट पे चार्ज की जाती है 50% पे। क्यों की जाती है? क्योंकि माल आधा ही बना है, और माल आधा ही बना है तो उसके वेजेज लेबर और ओवरहेड तो आधे ही लगेंगे, तो उसका 50% करना है। यदि क्वेश्चन में 100% के लिए बोल रहा है तो ही आपको 100% लेना है, वरना क्वेश्चन में आपको कितना लेना है 50% ही लेना है लेबर को और ओवरहेड को सभी, चाहे वो पर्सन में बोले या नहीं बोले। वो 50% के लिए पर्सन में नहीं बोलता तो भी आपको 50% कैलकुलेट करना है, लेकिन यदि पर्सन में कहा मटेरियल लेबर और ओवरहेड 100% मानिए, तब आपको 100% पे कैलकुलेट करना है, वरना 50% पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 180,000, और 180,000 इंटू 2 / 12 और इसका 50% 15,000। फिर यहां पे 30,000, 180 15 प्लस 180 प्लस 15 225,000। उसके बाद देखिए फिनिश गुड्स रिमेन इन ए स्टॉक 3 मंथ, ये दे दिया ना फिनिश गुड्स। थर्ड आपका आता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें आपका एक तो आ गया क्या मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वही कितनी इकाई बना रहे हो आप, वहां बता दी मैंने प्रोडक्शन 180,000, रेट कितनी 12, 180,000 लेबर की रेट या वेजेज की रेट कितनी है 2 रुपये, 180,000 और इसकी रेट है 4 रुपये, इंटू कितने मंथ रहता है फिनिश गुड्स 3 मंथ, तो 3/12 3/12 तो ये हो गया 180,000 इंटू 12/12 इंटू 3, 540,000, और 180,000 इंटू 2 इंटू 3 / 12 90,000।
और ये आ जाएगा 1,80,000। जोड़ दीजिए 5,000 प्लस 1,80 प्लस 5,40, 8,10,000। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था डी, डेटर्स। इसमें भी आपका एक तो क्या आएगा, मटेरियल, दूसरा क्या आएगा, लेबर, और तीसरा क्या आएगा आपका, ओवरहेड। क्या आएगा? ओवरहेड। क्लियर होगी बात? तो देखिए वही, कितनी इकाई बना रहे हो, 1,80,000 इकाई बना रहे हो, इधर भी कितनी बना रहे हो, 1,80,000 इकाई बना रहे हो, इधर भी कितनी बना रहे हो, 1,80,000 इकाई बना रहे हो। देखिए रेट कितनी है, 12,2,4 इंटू कितना मंथ, क्रेडिट अलाउ टू कस्टमर 3 मंथ है, क्रेडिट अलाउ टू कस्टमर कितना मंथ है, 3, तो 3/12 है, तो ये तो आ गया 5,40,000। क्लियर? ये आ गया 90,000 और ये आ गया 1,80,000। टोटल करेंगे तो वही 8,10,000, 8,10,000। अब यहां पे इसका ए टोटल करेंगे, ए इसका टोटल करेंगे, देखिए ए इसका टोटल करेंगे तो जोड़ लीजिए 3,60,000 प्लस 2,25,000 प्लस 8,10,000 प्लस 8,10,000, 22,05,000 टोटल आ रहा है। ठीक, अब देखिए आगे बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट बी पार्ट, और बी पार्ट अपन क्या लेते थे, करंट लायबिलिटीज लेते थे, और करंट लायबिलिटीज यहां पर इन्होंने कुछ भी नहीं दी, ये निल है, तो बी का जो टोटल है वो भी क्या आ गया, निल। तो देखिए वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी इक्वल टू 22,05,000, कितनी आ गई, 22,05,000 आ गई। क्या आ गई, वर्किंग कैपिटल आ गई आपकी 22,05,000। क्लियर हो गई बात? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6, इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल दे रखी है 4,00,000, डेढ़ लाख आपको दे रखा है, 6% डिबेंचर, डेढ़ लाख 6% डिबेंचर दे रखे हैं, फिर आपको दे रखा है फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स आपको कितनी दे रखी है, 3,00,000। फिक्स असेट्स कितनी दी, 3,00,000। ठीक है, प्रोडक्शन 1,00,000 यूनिट्स, 1,00,000 इकाइयां दे दी, इकाइयां, उत्पादन कितनी इकाइयों का था, 1,00,000 इकाइयों का था। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 6 रुपए, मटेरियल
लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर और ओवरहेड। मटेरियल आपको दे रखा है 50%, लेबर की रेट दे रखी है 10% और 25% लेबर या वेजेस। देखिए 50%, 10% और 25% आपको क्या दे दी, मटेरियल लेबर और ओवरहेड दे दिया, ठीक है। कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल 2 माह का उपभोग, ठीक है, और प्रक्रिया में स्टॉक 1 माह की उत्पादन लागत, 1 माह, ये दे रखा है 4 माह की बिक्री लागत, 4 माह की बिक्री लागत, ठीक है। लेनदार 3 माह, देनदार भी 3 माह, ठीक है, ये दे रखा। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको मेंशन कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए, वापस बता रहा हूं मैं, इशूड शेयर कैपिटल 4 लाख है, डिबेंचर 1.5 लाख है, फिक्स एसेट्स 3 लाख है। क्लियर हो गई बात, फिक्स एसेट कितनी है 3 लाख, प्रोडक्शन 1 लाख इकाइयां है, और ये कह रहा है कच्चा माल 50%, प्रत्यक्ष मजदूरी 10% है, ऊपरी व्यय 25% है, कच्ची सामग्री 2 माह का उपभोग, प्रक्रिया में स्टॉक 2 माह की उत्पादन लागत, निर्मित माल 4 माह, लेनदार व देनदार 3 माह के क्रय और 3 माह के विक्रय के बराबर है और विक्रय मूल्य 6 रुपए है, कार्यशील पूंजी का अनुमान तैयार कीजिए। क्लियर हो गई बात, देखिए ठीक है, ये अपना फॉर्मेट तो था ही, इसी में कर देते हैं, टाइम भी बच जाएगा थोड़ा बहुत। देखो ये अपना फॉर्मेट था और ये क्वेश्चन है, क्लियर हो गई बात। फॉर्मेट ये लिखा दिया था मैंने अच्छे से, यहां पे प्रोडक्शन लिखो कितनी का ही है 1 लाख, पहला काम। दूसरा काम, सेलिंग प्राइस ढूंढे, परसेंट में कितनी है, सेलिंग प्राइस है 6 रुपए पर यूनिट, ये लिख दी, ये लो 6 रुपए। अब मटेरियल की रेट कितनी है 50%, ये 10% और ये आपका है 25%, तो ये तो आ गया 3 रुपए, ये आ गया 0.60, 10% और ये 1.5, क्लियर। आप 6 का 10% निकाल लीजिए, 6 × 10% 0.60 आएगा, 6 का 50% 3 रुपये आ जाएगा और 6 का 25% आपका 1.5 रुपये आ जाएगा, क्लियर हो गई बात। तो ये आप दूसरा काम हो गया, पहला काम आप प्रोडक्शन देखिए कितना है, दूसरा सेलिंग प्राइस देखिए और मटेरियल लेबर और ओवरहेड का रेशियो देख लीजिए, क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए इश्यूड शेयर कैपिटल फॉर्मेट में कहीं नहीं आती, डिबेंचर भी फॉर्मेट में नहीं आता, डिबेंचर के बाद देखिए फिक्स एसेट्स 3 लाख फॉर्मेट में मैंने कहीं नहीं लिखाया, मैंने लिखाई है करंट एसेट्स, और प्रोडक्शन 1 लाख हो गया, सेलिंग प्राइस 6 रुपये उसका भी काम हो गया। अब दे रखा है कच्ची सामग्री 2 माह का उपभोग, कितने माह का, 2 माह का। तो देखिए मटेरियल आपका कितना था,
180,000 इंटू रेट कितनी है 3 इंटू कितने में है 2/12 एक लाख इकाई इंटू 3 इंटू 2/12 क्लियर हो गई बात। तो देखिए एक लाख इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 50,000। तो ये तो आपका कितना आ गया 50,000। उसके बाद देखिए स्टॉक ऑफ WIP, क्लियर है, स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है, मटेरियल लेबर और ओवरहेड। देखिए मटेरियल में वही आपका यहाँ पर 1,00,000 आ जाएगा, लेबर में भी कितनी आ जाएगी 1,00,000 आ जाएगी, ओवरहेड में भी कितना आ जाएगा 1,00,000 आ जाएगा, इंटू 3.60 और ये 1.5। अब देखिए WIP प्रक्रिया में स्टॉक कितने माह था 1 माह, तो 1/12 और 1/12 और ये 50% और ये 50%, क्लियर हो गई बात। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए 1,00,000 इंटू 3 25,000 और 1,00,000 इंटू 0.60 2,500 फिर 1,00,000 इंटू 1.5 भाग 12 इंटू 50% 6,250 जोड़ दीजिए तीनों को प्लस 2,500 प्लस 25,000 33,750 क्लियर। अब देखिए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्रक्रिया में स्टॉक निर्मित माल कितने माह 4 माह। तो देखिए आपकी इकाई कितनी थी 1,00,000, मटेरियल की रेट 3 रुपये, वही इकाई कितनी 1,00,000, मटेरियल की रेट कितनी है 0.60 और 1,00,000 इंटू 1.5। अब कितने माह है ये 4/12 तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 माह है निर्मित माल तो 1,00,000 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 1,00,000 ही आ गया ये तो। उसके बाद 1,00,000 इंटू 0.60 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 20,000 उसके बाद देखिए 1,00,000 इंटू 1.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 50,000 टोटल हो गया 1,70,000 इतना हो गया 1,70,000। उसके बाद देखिए देनदार कितने माह है 3 माह डेटर्स, तो डेटर्स में मटेरियल आपका वही इकाइयां कितनी बना रहे हो आप 1,00,000 1,00,000 इकाई बना रहे हो इंटू मटेरियल के सामने मटेरियल की रेट कितनी है 3, लेबर की 0.60 और इसकी 1.5 इंटू 3/12 इंटू 3/12 इंटू 3/12 क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 75,000 75,000 और 1,00,000 इंटू 0.60
इंटू 3 भाग 12 15,000 और 1 लाख इंटू 1.5 इंटू 3 भाग 12 37,500 जोड़ दीजिए। 37,500 प्लस 15,000 प्लस 75,000 1,27,500 ठीक है 1,27,500। अब केवल बचा है लेनदार, कितने माह है 3 माह, तो ये आ जाएगा क्रेडिटर्स पहला, इसमें क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में आपका आता है क्या मटेरियल, और वही 1,00,000 इकाई, मटेरियल की रेट कितनी है 3 इंटू कितने माह है लेनदार 3 माह 3/12 तो इंटू 3 तो ये कितना आ गया 75,000। तो देखिए इसका टोटल बी का टोटल तो कितना आया 75,000 क्लियर, ए का टोटल कितना आया आपका, ए का टोटल यहाँ कर लीजिए तो 50,000 प्लस 33,750 प्लस 1,70,000 प्लस 1,27,500 प्लस 3,81,250 माइनस 75,000 3,06,250 की 150 ये है सही है। ओ प्रक्रिया में माल 2 माह, ये यहां पर 2 माह है 2 माह, तो देखिए यहां पर ये 2 माह होगा, ये 2 माह और ये भी 2 माह, तो 2 माह होगा तो ये दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में 1 माह ना होकर कितने माह है 2 माह है। तो देखिए 2 माह होगा तो 1,00,000 इंटू 3 50,000 और 1,00,000 इंटू 0.60 इंटू 2 इंटू 2 भाग 12 इंटू 50% 5,000 आ जाएगा ये, और 1,00,000 इंटू 1.5 इंटू 2 भाग 12 इंटू 50% 12,500। तो देखिए इसका टोटल कर लीजिए, प्लस 5,000 प्लस 50,000 67,500। अब टोटल कर लीजिए 50,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,27,500 4,15,000 4,15,000 में से घटा दीजिए 75,000 3,40,000 तो वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी इक्वल टू 3,40,000 कितने आएगी वर्किंग कैपिटल आपकी 3,40,000 वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपकी। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 6 भी आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गई बात किस प्रकार से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब मैंने एक आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का एक क्वेश्चन दिया था,
एग्जाम्पल देखिए, तीन क्वेश्चन मैंने हल करा दिए थे और एक आपको दिया था एग्जाम्पल नंबर 6, कल की बात है, तो वो आपने कर लिया। मैं एक बार वापस उसे बता रहा हूँ क्योंकि वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार वो क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है और आपका परिचालन चक्रविधि का एक और सवाल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6 है एस एन एस कंपनी की कार्यशील पूंजी का अनुमान परिचालन चक्रविधि से कीजिए। देखिए, परिचालन चक्रविधि से कार्यशील पूंजी का अनुमान आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए, किस प्रकार से परिचालन चक्रविधि से कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाएंगे? आपको क्वेश्चन में दे दी एक बार बिक्री, सेल्स यूनिट्स 1,00,000 है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपये। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी दे दी? 20 रुपये, ठीक है। उन्होंने कहा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कितना है? 10, 4, 4, 10, 4 और 4, 4, 10 रुपये पर यूनिट मटेरियल है, 4 रुपये पर यूनिट लेबर है और 4 रुपये पर यूनिट आपका क्या दे रखा है? ओवरहेड दे रखा है। क्या दे रखा है? ओवरहेड दे रखा है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, अब आगे इन्होंने क्या दिया है, ग्राहकों को 60 दिन की उधार, ग्राहकों को 60 दिन की उधार, ग्राहकों को कितने दिन की उधार? 60 दिन की उधार। वह लेनदारों से 40 दिन की उधार की उधार ली उधार ली जाती है। ग्राहकों को 60 दिन की उधार दी जाती है, वह लेनदारों से 40 दिन की उधार ली जाती है। अब ये अगर कच्चा माल 60 दिन की पूर्ति, कच्चे माल की 30 दिन पूर्ति, निर्मित माल 15 दिन स्टॉक में, उत्पादन चक्र 30 दिन का है, उत्पादन चक्र 30 दिन का है, उत्पादन चक्र कितने दिन का है? 30 दिन का है। और एक तिहाई भाग आकस्मिकताओं के लिए रखा जाता है। देखिए, क्वेश्चन ये है, कौन सी विधि से आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है?
आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है फर्स्ट वाले मेथड परिचालन चक्र विधि से, और इसके तीन क्वेश्चन करा दिए। ये चौथा क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से क्या करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो देखिए देखिए परिचालन चक्रविधि में आपको मैंने लिखाया था, फिर बता रहा हूं, ओसी इक्वल टू एम प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, ये फॉर्मूला लिखाया था। एग्जाम में करेंगे तो ओसी का पूरा नाम, एम का, डब्ल्यू का, एफ का, डी का और सी का एक पूरा नाम लिखेंगे, लिखना पड़ेगा वरना आपके मार्क्स कटेंगे। क्लियर? ओसी इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल, एम इक्वल टू मटेरियल स्टोरेज पीरियड, डब्ल्यू इक्वल टू वर्क इन प्रोसेस पीरियड, एफ इक्वल टू फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, और D इक्वल टू डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, C इक्वल टू क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे आपका आता है एम का, एम कितना है, एम परसेंट में दे रखा है कच्चे माल 30 दिन, कितना दे रखा है 30 दिन, तो एम की वैल्यू मैंने लिख दी 30। डब्ल्यू आई पी कितने दिन है, उत्पादन चक्र भी कितना दिन है 30 दिन, निर्मित माल कितना दिन है 15 दिन स्टॉक में रहता है, निर्मित माल देखिए 15 दिन। उसके बाद ग्राहकों को 60 दिन की उधार दी जाती है, डेटर्स को कितने दिन की 60 दिन माइनस, और लेनदारों से उधार कितने की ली जाती है 40 दिन की, तो माइनस कर दीजिए 40, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 30 और 30 60 और 60 120, पंद्रह प्लस 60 135 माइनस 40 95 डेज। ऑपरेटिंग साइकिल आपका कितना आएगा 95 डेज आएगा, कितना आएगा 95 डेज ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखिए अब बात आती है आपकी वर्किंग कैपिटल किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सी प्लस ओसी बटा एन इंटू सी एस कॉस्ट ऑफ सेल। क्लियर होगी बात? देखिए कैश, कैश आपका कितना है 0 दे रख, ओसी आपका 95 डेज है, नंबर ऑफ डेज, देखिए नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में अगर जो दे रखा है वो अज्यूम कर लीजिए और नहीं दे रखा तो 365 दिन आप मान सकते हैं, ये पहले भी मैंने बता दिया, तो ये लो 365। अब अपने पास क्या नहीं है, सी एस नहीं है, तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि किसकी गणना कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की गणना कर रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, देखिए मैंने बताया था, एक तो अपन क्या लेते हैं इसमें मटेरियल, जो दे रखा है वो ले लीजिए, एक क्या दे रखा है लेबर, एक क्या दे रखा है ओवरहेड,
देखिए मटेरियल कितनी इकाई बना रहा है क्वेश्चन में 1 लाख इकाई दे रखी है। तो देखिए 1 लाख एक लाख ठीक है। अब देखिए मटेरियल की रेट कितनी है 10 रुपये, लेबर की 4, ओवरहेड की 4, 10, 4 और 4, तो ये तो हो गया आपका 10 लाख, ये 4 लाख और ये कितना हो गया 4 लाख। टोटल आपका COGS कितना आ गया 18 लाख, इतना आ गया रे 18 लाख। क्लियर होगी बात, टोटल कितना आ गया 18 लाख टोटल आ गया है। अब देखिए यहां पे ले लेता हूं मैं 18 लाख, तो कैलकुलेशन कीजिए, चार लाख अड़सठ हजार चार सौ तिरानवे इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड कॉन्टीजेंसीज कितनी थी 1/3 बार, कॉन्टीजेंसी कितनी है 1/3। अब 1/3 इसका डिवाइड बाई 3 तो ये आ जाएगा 156,164। इसको जोड़ लीजिए, देखिए 156,164 प्लस 4,68,493, 6,24,657 आंसर 6,24,657। देखिए फाइनल आंसर इसका आ रहा है आंसर 6,24,657 वर्किंग कैपिटल आपकी। तो देखिए ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और एग्जाम्पल नंबर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 6 भी मैंने करा दिया, कल आपको होमवर्क के लिए दिया था कि आप करके देखना। तो देखिए किस प्रकार से कैसे क्या बहुत आसान है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ें क्या होगी समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है आ गई ना समझ में, तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। देखिए आपके 5 मेथड थे, एग्जाम में ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में या तो परिचालन चक्रविधि का क्वेश्चन आता है या ज़्यादा या फिर शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि का। देखिए जो बाकी 3 मेथड बच रहे हैं, एक तो प्रक्षेपी चिट्ठा विधि उसका 1 क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन आपका दे रखा है प्रतिगमन विश्लेषण का और 1 क्वेश्चन दे रखा है प्रतिगमन उसका विक्रय प्रतिशत विधि का। तो बाकी जो अब एग्जाम अपनी बुक में जो क्वेश्चन बचे हैं, देखिए लास्ट के 3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हैं वो सारे आपके दूसरे मेथड के हैं, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि नेट करंट असेट्स फॉरकास्टिंग मेथड के सारे सारे क्वेश्चन हैं। और आज हमने 2 क्वेश्चन तो नेट फॉरकास्टिंग मेथड के कर लिया और 1 आपका ये वाला कर लिया और परिचालन चक्रविधि वाला। क्लियर हो गई बात, डन। तो ये आपका कंप्लीट यहां पर, नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट 3 ABST पेपर 1 में ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 का लिवरेज वाला टॉपिक चल रहा था। देखिए लिवरेज में अपन ने लिवरेज के फॉर्मूले कर लिए, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये फॉर्मेट बता दिया, उत्तोलकों के जो भी किस प्रकार से उत्तोलक कैलकुलेट किए जाते हैं वो बता दिए मैंने और आपको एक डिग्री वाला भी बता दिया। अब मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और किस प्रकार से आप क्या करेंगे लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक फर्म की बिक्री,
एक फर्म की बिक्री कितनी है? 75 लाख है, ठीक है। परिवर्तनशील लागत बयालीस लाख है। परिवर्तनशील लागत कितनी है? 42 लाख। स्थायी लागत 6 लाख है। ठीक है। ब्याज 9% ब्याज पर ऋण है। 9% ब्याज पर ऋण कितने का है? 6 लाख। स्थायी लागत भी कितनी है? 45 लाख। 45 लाख का इन्होंने डिबेंचर है। समता पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 55 लाख है। 55 लाख। और तीनों उत्तोलकों की गणना कीजिए। देखिए मैं आपको समझाने के हिसाब से एग्जाम्पल करा रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, किस प्रकार से कैसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। दो तीन एग्जाम्पल मैं वैसे ही करा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अब तीन प्रकार के उत्तोलक तो कौन कौन से थे? एक तो आपका था OL, एक था FL और एक था CL। क्लियर हो गई बात? तो देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला था C/EBIT, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला था EBIT/EBT, और आपका कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला था C/EBT। क्लियर हो गई बात? ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, तीनों उत्तोलक के फॉर्मूले मैंने बता दिए थे। अब क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है, तो देखिए इनकम स्टेटमेंट पार्टिकुलर। देखिए इनकम स्टेटमेंट, में पहले मैंने बताया था क्या? सेल्स। और सेल्स आपकी कितनी है? 75 लाख है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है आपकी? 42 लाख। अब वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? कंट्रीब्यूशन आएगा, अंशदान। तो 75 लाख में से घटा दीजिए -42 लाख, तो आपका बचेगा 33 लाख रुपए। इसमें से हम क्या लेस करते हैं? इसमें लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। और देखिए फिक्स कॉस्ट आपको प्रश्न में दे रखी है, स्थायी लागत 6 लाख। 6 लाख, 33 लाख में से 6 लाख गए तो आपके कितने बचेंगे? 27 लाख। और 27 लाख आपका आएगा EBIT, और EBIT के बारे में मैंने बताया था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए कितने लाख का ऋण लिया आपने? 45 लाख का। और 45 लाख का 9% निकाल लीजिए, तो 45 लाख इंटू 9%
आपका आता है 4,05,000, 4,05,000। तो आपका 4,05,000 वो क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो 4,05,000, 4,05,000 घटा दीजिए आप 27 लाख में से। तो देखिए -27 लाख 22,95,000। ये आ गया आपका EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। आप क्वेश्चन में टैक्स नहीं दे रखा तो यहां तक कि आपका क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट तैयार होगा। तो देखिए आप सबसे पहले सी पूछा आपसे, सी सी का क्या फॉर्मूला था, ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा, सी अपॉन EBIT। तो इसका फॉर्मूला था ऑपरेटिंग लीवरेज का सी बटा EBIT। तो देखिए सी कितना दे रखा है, 33 लाख दे रखा है। EBIT कितना है, 27 लाख दे रखा है। तो 33 लाख में किसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड भाई 27 लाख, 1.2। फिर देखिए EBIT कितना है, 27 लाख है, और EBT आपका कितना दे रखा है, 22,95,000। 27 लाख में एक पॉइंट सत्रह, ये 1.18 आपका आंसर आएगा। सी कंट्रीब्यूशन 33 लाख, क्लियर। ईबीटी आपका कितना है, 22,95,000। तो 33 लाख में 22,95,000 का भाग दे दीजिए, वन पॉइंट फोर फोर। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन हल करेंगे वो मैंने आपको बताया है यहाँ पर। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से तैयार करें, लिवरेज वाले टॉपिक का, क्लियर है। देखिए ये तो आप इनकम स्टेटमेंट अपन ने बनाया है, कभी कभार वो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज ही दे देता है, तो उसके बिहाफ पे हमें इनकम स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है, क्लियर हो गई बात। और ये आपको ऑलरेडी वो दे देगा, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में तैयार करने होते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, देखिए चलो आगे। देखिए क्वेश्चन है, दोनों कंपनियों का, देखिए दोनों कंपनियों का आय विवरण तैयार कीजिए। दो कंपनियां हैं और दोनों का क्या तैयार करना है आपको, आय विवरण। एक तो दे रखी है ए लिमिटेड और एक आपको क्या दे रखा है, बी लिमिटेड, क्लियर हो गई बात। तो इन्होंने दिया ऑपरेटिंग लीवरेज, इन्होंने दिया फाइनेंशियल लीवरेज, इन्होंने दिया
इंटरेस्ट, ये तो दे दिया 3:1, ये 2:1, ये 4:1 और ये 5:1, 3:1, क्लियर। और इंटरेस्ट दोनों का दे रखा है 12 लाख, ये 10 लाख, ठीक है। और 12 लाख दिया और 10 लाख दिया। कॉरपोरेट टैक्स रेट, टैक्स रेट 30%, और वेरिएबल कॉस्ट, एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, 60% और ये 50%। ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर हो गई बात। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार से देखिए, अब तक आपने जो पहला अभी एग्जाम्पल किया तो मैंने उसमें तो आपको बताया कि किस प्रकार से उत्तोलकों की गणना की जाती है, लेकिन देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों कंपनियों का आय विवरण तैयार कीजिए। अब आपको उत्तोलक खुद ही उसने स्वयं कैलकुलेट करके दे दिया, ओएल दे दिया, एफएल दे दिया, और आपको क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। तो देखिए कैसे इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। कौन सी का, ए लिमिटेड का, पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट आपको पूरा क्या करना है, तैयार करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है ए लिमिटेड, यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ ए लिमिटेड। आप देखिए ए लिमिटेड का हल करेंगे तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है। तो देखिए फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है CEBIT/EBT। देखिए आप ऑपरेटिंग लीवरेज पहले करेंगे तो ना तो सी है और ना ही EBIT है, दोनों ही नहीं है, क्लियर। तो वो आपको कैलकुलेट ही नहीं होगा, लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से कैलकुलेट होगा कि विद्यार्थी कहते हैं सर पहले ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ लिखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। आप ऑपरेटिंग लीवरेज लिख लीजिए और आप फॉर्मूला जैसे ही पुट करेंगे C/EBIT, ना तो प्रश्न में सी की वैल्यू है ना EBIT की, तो किसी की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, नहीं हो रही है, तो आप नेक्स्ट लीवरेज में चले जाइए। तो नेक्स्ट लीवरेज आपका कौन सा है, फाइनेंशियल लीवरेज है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, EBIT/EBT। तो देखिए EBIT ये कितना है, 2:1 है फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है, कितना है 2:1। EBIT अपने पास नहीं है, EBIT में से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट घटा देंगे, क्या कर देंगे, इंटरेस्ट घटा देंगे, क्लियर होगी बात। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज EBIT/EBT, तो फाइनेंशियल लीवरेज है 2:1 EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्लियर होगी बात। अब देखिए मैं EBIT इक्वल टू, देखिए अपना यहाँ स्टेटमेंट होता है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से क्या घटाएंगे, फिक्स कॉस्ट घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, EBIT आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट घटा देंगे, तो आपका क्या आएगा, EBT।
ईबीटी में से क्या घटाएंगे, टैक्स, और टैक्स कितना परसेंट है, 30%, तो आपका क्या आ जाएगा, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। देखिए ईबीआईटी का पूरा नाम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, और ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर देखिए ईबीआईटी कैसे आता है, ईबीटी, अगर मैं ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाता हूँ तभी तो मेरा क्या आता है, ईबीटी, क्लियर। तो मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला था फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो ईबीटी इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ क्या भाई, ईबीटी में ये तो लिख सकता हूँ ना, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो रहा है, ईबीटी, तो ईबीटी की जगह ये मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए मैं 2:1 इक्वल टू ईबीआईटी, और आपका ईबीआईटी यहाँ दे नहीं रखा लेकिन इंटरेस्ट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है इंटरेस्ट, 12 लाख, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 ईबीआईटी माइनस 24 लाख इक्वल टू 1 ईबीआईटी, क्लियर हो गई बात। तो देखिए 2 ईबीआईटी माइनस 1 ईबीआईटी इक्वल टू 24 लाख, ये बराबर से उधर जाते ही क्या प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर बचा 1 ईबीआईटी इक्वल टू 24 लाख, तो ईबीआईटी इक्वल टू कितना आ गया, 24 लाख। तो देखिए यहां पर ईबीआईटी की वैल्यू कितनी आ गई, 24 लाख, इंटरेस्ट आपका दे रखा था कितना, 12 लाख, तो ईबीटी कितना बच गया, 12 लाख, टैक्स 30% है तो 3,60,000, तो आपका ये बचेगा कितना, 9 लाख, तीन लाख, 12 लाख में से 3,60,000 घटा दीजिए, 8,40,000, ठीक है। अब देखिए आगे आपका होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू, ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू सी अपॉन ईबीआईटी, सी अपॉन ईबीआईटी, देखिए सी अपॉन ईबीआईटी, तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना था आपका, 3:1 इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दे रखी, ईबीआईटी की वैल्यू कितनी है, 24 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो सी इक्वल टू बहत्तर लाख, सी इक्वल टू कितना आ गया, 72 लाख, ये यहां पर कितना आएगा, 48 लाख, इसमें से 24 लाख घटा दीजिए तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी आपकी, 48 लाख आएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, 48 लाख। अब देखिए अब नेक्स्ट देखिए आगे, देखिए अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, देखिए कंट्रीब्यूशन आपका 72 लाख है और ये कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो देखिए 60% किसकी है, सेल की, तो सेल वैल्यू मैंने कितनी मानी, 100%, तो 100 में से 60 गया तो ये कितना बचा, 40, देखिए अब आपको चाहिए सेल्स, तो देखिए 100 / 40 इंटू, और कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72 लाख, देखिए तो 100 / 40 इंटू 72 लाख
72 लाख, तो आपका ये हो रहा है 1,80,00,000। देखिए अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी परसेंट थी, 60%, तो 1,80,00,000 का 60% निकाल दीजिए तो क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गया। जब देखिए आपको ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज ये दे रखे हैं, तो किस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में क्या होते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए बी लिमिटेड का भी आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है, उसके बाद ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है, फिर आपको सेल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सेल वैल्यू वहां पे पुट करोगे और उसका जो भी 50% निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी।